चलिए ठीक है। तो हम लोग अभी एवरेज का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, तो अभी सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। राकेश और मोहन की औसत आयु 15 वर्ष है। क्या? राकेश और मोहन की औसत आयु 15 वर्ष है। मोहन और रमेश की औसत आयु 12 वर्ष है। मोहन और रमेश की औसत आयु 12 वर्ष है। राकेश और रमेश की औसत आयु 13 वर्ष है। ये तीन चीजें आपने नोट डाउन कर ली है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि जो मोहन है, मोहन की आयु कितनी है। तीन लोगों की मैंने बात की, पहले किसकी बात की, राकेश और मोहन की औसत आयु 15 वर्ष, मोहन और रमेश की औसत आयु 12 वर्ष, राकेश और रमेश की औसत आयु 13 वर्ष। तीनों की औसत आयु दे दी है, आपको क्या निकालना है, ये जो मोहन है उसकी आयु, उसकी सेपरेट आयु कितनी है, ये क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले राकेश और मोहन की औसत आयु 15 वर्ष दिया हुआ है, तो ये औसत आयु का मतलब क्या कि दो लोगों की आयु है, ये दो लोगों की आयु है 15 दोनों की। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, औसत है। तो इसमें हम लोग जब इनकी आयु निकालने की बात होगी तो दो लोगों की है तो दो से गुणा करेंगे, किसमें, औसत में। तीन लोगों की होती तो तीनों की औसत आयु में तीन से गुणा करते, चार लोगों की होती तो इनकी औसत आयु में चार का गुणा करते। मतलब अगर कोई औसत दिया है और औसत से हमको उसको सेपरेट डाटा में कन्वर्ट करना है, तो जितने लोगों के बारे में बात होगी, जितनी संख्याओं के बारे में बात होगी, उसका हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, औसत में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। तो ये 15 था, 15 क्वेश्चन में दिया था, तो दो से गुणा करेंगे तो इनकी आयु कितनी होगी, 30 वर्ष। मोहन और रमेश की औसत आयु 12 दी हुई है, तो 12 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 24 वर्ष। ठीक है, अब वही राकेश और रमेश की औसत आयु 13 दी हुई है, तो फिर इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 26 वर्ष। क्लियर हो गया क्या, इन तीनों को हमने ऐसा लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम राकेश प्लस रमेश प्लस मोहन, क्या लिखेंगे, राकेश प्लस रमेश प्लस मोहन। अब यहां पे एक चीज और ध्यान में दीजिएगा कि ये जो हमने अभी बनाया है, इसमें देखिए राकेश कितनी बार है, राकेश 2 बार है, मोहन कितनी बार है, 2 बार है, रमेश भी कितनी बार है, 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2 राकेश 2 रमेश 2 मोहन, 2 राकेश 2 रमेश 2 मोहन, इन सबके आयु को, इन सबके एज को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पे 30 24 26 इन तीनों को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, तो क्या आएगा, 80 आएगा। और यहाँ पे ये 2 ऑलरेडी है, क्यों, क्योंकि हमने 2 यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये 2 कहाँ आएगा, पक्षांतर के इस तरफ आएगा, तो 80/2 भाग देंगे तो कितना आएगा, 40। अब देखिए राकेश प्लस रमेश प्लस मोहन, इन तीनों की आयु कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 40 वर्ष। ठीक, अब देखिए मोहन का निकालना है, तो यहाँ पे देखिए राकेश और रमेश, ये क्या है, राकेश और रमेश, तो राकेश प्लस रमेश की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 26। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 26 वर्ष। राकेश और रमेश की आयु कितनी है, 26 वर्ष, तो हम यहाँ पे 26 लिख देंगे। अब इस 26 को हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या होता है, इक्वल टू के इस तरफ ले जाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो साइन क्या होता है, चेंज होता है, तो यहाँ पे प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 40 में से 26 गया, कितना आएगा, 14। इन द सेंस क्या, मोहन की जो आयु है वो कितनी थी, 14 वर्ष, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 14 ईयर्स। क्लियर है क्या सभी को, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी में क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आता है, सारे एग्जाम मतलब एकदम बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, पैटर्न सेम होगा, नाम गांव बदल जाएगा, बाकी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 नंबर एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18। यदि एक संख्या हटा दी जाती है, इफ वन नंबर इज रिड्यूस, ठीक है, तो औसत 16 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, 16। तो हटाई गई संख्या, तो जिस संख्या को हमने हटाया है, ठीक है, वो क्या, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, कभी कभी उम्र का बोल देगा और कभी कभी ऐसी संख्याओं का बोल देगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए जो संख्या है, 5 संख्या है और औसत, संख्या गुणे औसत करिए, संख्या गुणे औसत, 18 5 कितना हो गया, ठीक।
अब सेकंड में फिर से देखिए, एक संख्या हटा दीजिए, तो जैसे आप पांच संख्या था, पांच संख्याएं थी, उसमें से आप एक संख्या को हटा दोगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी? चार। और एवरेज कितना हो जाएगा? सोलह। तो चार गुणे सोलह। कोई दिक्कत है क्या? कुछ करना ही नहीं आपको, कुछ भी नहीं सोचना, इस टाइप का बात हो कि इतनी संख्या थी इतना हटा दिया गया, तो जब संख्या इतनी थी तो एवरेज इतना था, हटा दिए तो इतना हो गया, ऐसा कुछ भी आपको देता है तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत आपको यही करना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो पांच गुणे अठारह के नब्बे, और एक हटाने के बाद चार हो गए संख्या, चार गुणे सोलह किए चौसठ। अब इनका अंतर क्या? अंतर मतलब डिफरेंस। तो ये नब्बे में से चौसठ घटा दीजिए तो आंसर कितना आएगा आपका? 26। ये तो जो हटाई की संख्या थी वो क्या है? 26। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? फिर से समझिए, पांच संख्या औसत 18, तो संख्या गुणे औसत कर दिए कितना आ गया? 90। फिर से चार संख्या 16 औसत, तो चार 16 चौके 64, इन दोनों को क्या कर दिया हमने? हटा दिया 26। अब देखिए, आप जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, तो आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर टिक द करेक्ट आंसर है, चार ऑप्शन दिए हुए अपने को। एक क्वेश्चन को हमको मन में ही करना है। कहाँ करना है? मन में। मन में करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? फायदा उससे यह होगा कि हमारा समय बचेगा। अपन जानते हैं 18 25 90, एक घटा दिए तो चार संख्या बचा 16 64, 90 में से 64 गया 26। एक मार्क कर दिया। पेन कॉपी चलाने की जरूरत है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए अब इसी में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, इसी में हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखेंगे है ना, नोट करिएगा। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष। दो और व्यक्तियों के आ जाने से औसत आयु 55 वर्ष हो जाता है। दोनों नए व्यक्तियों की आयु ज्ञात करो। चलिए समझिए बात को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 व्यक्ति थे और उनकी जो एवरेज एज था, औसत आयु था, वो कितना था? 50 वर्ष। अब 50 वर्ष था, अब दो नए और आ गए, तो दो नए आएंगे, जाहिर सी बात है आएंगे तो एज क्या होगी? बढ़ेगी। तो औसत आयु में 5 की वृद्धि हो गई। अब कितनी हो गई? 55 वर्ष। तो ये बोल रहे हैं कि यार जो दो नए आए थे उनकी आयु थी क्या? फाइंड करना पड़ेगा ना भाई, ऐसी क्या आयु थी इन दोनों की कि हमारा जो 50 था बढ़िया मस्त, इसमें 5 की क्या करनी पड़ी? वृद्धि करनी पड़ी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट मैं क्या बोला, जितने लोग और जो औसत आयु है उसकी क्या करना है? 10 गुणे 50 कितना आ गया? 500 वर्ष। अरे 500 ईयर्स आएंगे नहीं। अब फिर से देखिए, दो और व्यक्ति आए, मतलब अब कितने लोग हो गए? 12। वहां पे एक संख्या क्या कर रहे थे? डिडक्ट कर रहे थे, यानी क्या कर रहे थे? घटा रहे थे। और यहां पे क्या कर रहे हैं? दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं। ये 12 हो गया और एवरेज एज कितना हो गया? 55। इधर देखिए कहां गया? 55। ये 55 वर्ष, तो 55 पे इंटू करिए, 12 5 7
और 12 पंचे 60 और 66 हुआ कि नहीं। तो देखिए पहले कितना था 500 साल, अभी कितना है 660। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग अंतर, तो 660 में से 500 घटा दो कितना आएगा 160। मतलब उन दोनों व्यक्तियों की जो आयु होगी कितनी होगी 160, मतलब 80-80 साल के होंगे एक एक जन, तभी तो 160 हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं। तो ये आता है बहुत बार, जैसे व्यक्तियों को पूछ दिया कि इतने व्यक्ति थे, ऐसा बोल देगा किसी स्कूल में 10 अध्यापक थे या 12 अध्यापक थे, उनकी एवरेज आयु इतनी थी, दो अध्यापक चले गए तो आयु में इतने की कमी हो गई, तो अभी बताइए जो दो चले गए या जो एक चला गया उसकी आयु क्या थी। 10 अध्यापकों की आयु इतनी थी, एक नया अध्यापक आ गया, अभी 11 अध्यापक हो गए तो उनकी आयु इतनी बढ़ गई, तो नए वाले की आयु क्या होगी, ऐसा नहीं कोई पूछता है क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, दो आपको डेटा दिखेगा, पहला क्या व्यक्तियों की संख्या, अध्यापकों की संख्या, संख्या कुछ भी दिखेगा और उनका औसत दिखेगा, उन दोनों को क्या करना है आपको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है और करके लिख लेना है। अब एक नया आएगा तो इस संख्या में प्लस करेंगे, और कोई वहां से चला गया है तो उस संख्या में माइनस करेंगे और उसको लिखेंगे, और जो नया औसत रहेगा उसके साथ उसका गुणा करेंगे आ गया, और इन दोनों को आपस में घटा देंगे बड़े में से छोटे को, तो जो भी आया है या जो गया है उसका निकल जाएगा। तो क्लियर है क्या आप सभी को, ठीक है, तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, थैंक यू।